अबू जहल को। नहीं ज्यादा ना खुलवाइएगा मौजूद। अबू जहल रसूल खुदा ने कहा अबू जहल, रसूल खुदा से पहले किसी ने कभी उसे अबू जहल नहीं कहा था। नाम था अम्र, एन मीम रे वाव, क्योंकि उम्र से तश्बीह हो जाती थी तो इसलिए आखिर में वाव लगाया गया ताकि उम्र और अमर में फर्क रहे। तो ये अरबी का कानून है। अरबी का कानून ये है, बहुत से हमारे लोग पढ़ते हैं उम्रों, अगर लफ्ज गलत है, अम्र है, एन मीम रे वाव, अम्र इब्ने अब्दवद, उसका नाम भी अम्र था, वाव लगा देते हैं ताकि तफरीक रहे, इंसान को धोखा ना के नाम क्या। ये अरबों का कानून है, अरबी अदब का कानून है, पता नहीं आप लोग कहां पता है। तो तवज्जो मेरे साथ रहे, अल्लाह ने कहा अम्र उसका नाम था और सरदार था, काबिल तरीन आदमी था, सब उसे अबुल हकम कहते थे, हिकमत का बाप, दानाई का बाप। रसूल खुदा ने कहा नहीं, ये दानाई का नहीं, जहालत का बाप। इतना काबिल होके इसे तौहीद समझ नहीं आ रहे, रसूल खुदा को देख के मान नहीं रहा, जो देख के पैगंबर को ना माने, पैगंबर नहीं, जो देख के मासूम को ना माने, वो जितना भी पढ़ा लिखा हो अबू जहल है, चाहे पैगंबर को देखे चाहे हुसैन को कर्बला में देखे। बड़े बड़े काबिल अफराद मौजूद थे लेकिन उन्हें कुरान समझ नहीं आया, उन्हें तौहीद समझ नहीं आया, उन्हें रिसालत समझ नहीं आया, उन्हें इमामत समझ नहीं आया, उन्हें विलायत समझ नहीं आया। तो ऐसे लोगों के लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमा दिया कितने भी काबिल हो, कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल होते, पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा उस जमाने में अगर ये आज की डिग्रियां होती ना तो वो पीएचडी होता, इतना काबिल आदमी अबू जहल, इतना काबिल था कि आज पीएचडी होता सियासत में, अबू सुफियान पीएचडी होता, ऐसे ऐसे मंसूबे रसूल खुदा के खिलाफ ने किया था, लेकिन हबीब खुदा अपने उस तबलीग के काम पे काम कर रहे, इन हाकल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम, ये कुरान बेहतरीन रास्ते की तरफ हिदायत करता, जो सबसे सीधा रास्ता है उसकी तरफ हिदायत करता। सीधे रास्ते की खुसूसियत यह होती है, सीधे रास्ते कि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं जाता, नहीं पहुंचा सका। देखिए शॉर्टकट, अब उर्दू में मुझे कोई लफ्ज नहीं मिला सही, शॉर्टकट समझते तमाम हज़रात, अंग्रेजी का लफ्ज, एक रास्ता कहीं जा रहा है तो आप कहते हैं भाई मैं कहीं शॉर्टकट लगा लूं, बीच से कोई गली निकाल लूं, कोई रास्ता तलाश कर लूं, ये रास्ता बिना कम हो जाए। शॉर्टकट वहां लगाया जाता है जहां सड़क टेढ़ी हो, सीधी ना हो, लेकिन सीधे रास्ते पे शॉर्टकट नहीं जाता। हर वो आदमी जो सिराते मुस्तकीम पे शॉर्टकट लगाए, समझ लो सिराते मुस्तकीम से हट गया, नहीं पहुंचा सका, फिर भी नहीं पहुंचा सका। जब सीधा रास्ता होता कोई पूछे कहां जाना, सीधे रास्ते पे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं होती, जाना कहां, कहीं नहीं सीधे, पर मुड़ना कहां, मुड़ना है ही नहीं। सीधे रास्ते पे हिदायत की जरूरत नहीं होती, पर जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो तो इंसान को हिदायत की जरूरत होती है। हिदायत के दो तरीके हैं, इरादतु तरीक और ईसानो इलल मतलूब, मंतिक के रूप से ईसानो इलल मतलूब, मैंने टेक्निकल बहस शुरू की है, मेरा साथ दीजिएगा। ईसानो इलल मतलूब, मिसाल के तौर पे मैं
यहाँ करीब से आया हूँ, 15-20 मिनट का रास्ता, तो मुझसे पूछे भी इस जगह पे जाना, तो मैं कहूंगा मेरे साथ ही चलिए, मैं भी उसी मजलिस में जा रहा हूँ। तो मतलूब तक पहुंचाना यह है इंसान मिलन मतलूब, मकसद तक पहुंचाना, हदफ तक पहुंचाना यह हिदायत। दूसरा, कोई आदमी मुझसे किसी और जगह का रास्ता पूछे, मैं कहूँ भाई यहां से निकलेंगे उल्टे हाथ में मुड़ जाइएगा, सड़क के इस्तेमाल से दाएं मुड़ जाइएगा, जब मेन रोड पर चलते रहेंगे वहां से ऐसे ऐसे पहुंचेंगे और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं इराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना। पर हिदायत के दो ही तरीके हैं, रास्ता दिखाना या मकसद तक पहुंचाना। और अगर सीधा ही रास्ता हो, ना मकसद तक पहुंचाना जरूरी ना रास्ता दिखाना जरूरी। क्यों? रास्ता सीधा लेकिन वो इतना करीब है, उसने दोनों कर दिया। रास्ता बताने के लिए उसने कुरान भेज दिया, मकसद तक पहुंचाने के लिए इमाम भेज दिया। मददगार न होते, इस्लाम को बनाता है अंदर से बहादुर, अगर होते मुझसे